अमेरिका में काम किया था और यहाँ यहाँ इनकी गाइडेंस हमें मिली थी वहाँ पे बहुत अच्छे, जिस तरह से वो फ्रेम बनाते हैं, जिस तरह से एक्शन प्लान बनाते हैं, उस पर अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेशक आने वाले 30 दिन यहाँ पे काम करना है, जो गाइडेंस हमें मिलेगी उस मार्गदर्शन में चलना है, तो जो काम हमें मिलेगा वो अगर हम अच्छे दिल से करेंगे तो ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, ये हमारी यूथ कांग्रेस की PYC हर महीने मीटिंग होती है, तो आज हमारी ये एक्सटेंडेड मीटिंग है जिसमें हमने सभी पदाधिकारी बुलाए हैं जो हमारे असेंबली प्रेसिडेंट हैं और DYC कमेटी है और PYC कमेटी। इस मीटिंग के आधार पर हम लोग डिसाइड करेंगे हमारे आने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए सबकी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और डोर टू डोर और दूसरा जो भी हम लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी ने आज तक प्रॉमिस किए हैं वो पूरे भी करेंगे। हम कोई BJP की तरह जुमलेबाजी नहीं करते, लोकल मुद्दे, जब लोकल मुद्दों की बात आती है तो नेशनल मुद्दे आगे आ जाते हैं, जब नेशनल मुद्दों की बात आती है तो लोकल मुद्दे लोगों को बहकाने का काम BJP करती है। जो बड़े बड़े वादे इन लोगों ने लोगों के साथ किए, कहाँ हैं वो 15-15 लाख, कहाँ है 370 जो इतने बड़े बड़े वादे करती थी। पर BJP सरकार को इस बार पता चलेगा लोग कितने निराश हैं, देश को कितना बांटा इन लोगों ने। पर इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, जो जाता है जाए, कभी पार्टी ख़त्म नहीं होती आदमी के कहने से। पार्टी का नाम बड़ा होता है, ना मैं बड़ा हूँ ना कोई और बड़ा है, पर कांग्रेस पार्टी बड़ी है। तो अच्छा है, जो जाता है जाए, हमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, उससे बढ़िया कोई और भी आगे आने का किसी को मौका मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े जितने मर्जी चले जाए, क्या दिक्कत है, नए आदमियों को मौका मिलेगा। हम लोग जो जाते हैं, जिसको लालच है वो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।